हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका क्लास कुमार ब्लॉक्स में। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉक्स। तो आज का ब्लॉक्स है हम लोग का गरगा डैम। तो यहाँ का जाने का रास्ता बताते हैं। हम लोग अभी फिलहाल NH 23 में है और जस्ट गवर्नमेंट महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऑपोजिट साइड जाने का रास्ता है। तो चलिए इस रूट का दौरा कराता हूँ। तो दोस्तों, डैम की जाने की रास्ता और काफ़ी उबड़ खाबड़ है और इस रूट की मरम्मत बहुत दिनों से नहीं हुई है। सो फ्रेंड, देख रहे हैं गरगा डैम की पानी से सिंचाई भी हो रही है यहाँ, जो काफ़ी अच्छे है, काफ़ी अच्छी सिंचाई होती है। सो फ्रेंड, हम लोग फाइनली लोकेशन पे पहुँच गए हैं गरगा डैम की गेट के पास। तो आपको इसका नज़ारा कुछ ही क्षण में दिखा देंगे, तब तक ले वीडियो में बने रहे। सो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं गेट का व्यू, यहाँ पे आइए, फ्रंट गेट का व्यू आपको नजर आ जाएगी। मारो क्लिक। दोस्तों देखिए, इसमें हल्का सा खुला हुआ है, देखिए पानी जा रहा है और देखिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये गेट है गरगा डैम की। यहाँ पे टोटल 6 गेट, और पहले यहाँ पे बहुत ही चकाचौंध रहती थी। अभी देखिए लाइट वेट सारा उठल चुका है। यहाँ पे जो झारखंड सरकार की टूरिस्ट जो होती है विकसित करने के, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। यहाँ का रोड का हालत बहुत ही गंदा। ये गरगा नदी, ये डायरेक्ट आपको चली जाती है चीरा चास होते हुए आपकी दामोदर नदी में जाके मिल जाती है। और विशाल भाई बोलिए। तो भाई, यहाँ पिकनिक के लिए अच्छा ही स्पॉट है, पिकनिक के लिए बेस्ट बोल सकते हैं इसको। और ऐसे अगर आप बैचलर लड़का हो तो घूमने फिरने के लिए भी आ सकते हो। तो फ्रेंड, नीचे का लुक इधर से हम दिखाएंगे आप लोग को। देखिए गेट, और ये देखिए मधुमक्खी का यहाँ पे छत्ता भी है गेट के ऊपर में, दिखाएंगे। और देखिए दोस्तों, एक गेट हल्का सा खुला हुआ है और ये रहा नीचे का व्यू। और देखिए नल में घर जिस तरह पानी गिरता है ना, उस टाइप से पानी गिर रहा है, यहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है हल्का सा पानी। सो फ्रेंड, गरगा डैम आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो। देखिए दोस्तों, मधुमक्खी का छत्ता लिखा,
फ्रेंड आपको गरगा डैम का विजिट करवाएं, अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हो, बहुत अच्छा प्लेस है। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।